सो हेलो नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब तरफ से आपको एक इम्पोर्टेंट ईमेल आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा ईमेल है। ये जो ईमेल है वो सभी यूट्यूबरों के पास आया है। इसके ईमेल का मतलब क्या है, तो इस ईमेल के बारे में आपको सिंपल तरीके से और डिटेल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने वीडियो के लास्ट तक। तो अभी हम इसके ईमेल के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस ईमेल को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें लिख क्या रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा यूट्यूब की तरफ से ईमेल है, इसमें ये लिख रहा है दिस ईमेल इज एन एनुअल रिकमेंडर डेट योर यूज ऑफ यूट्यूब इज सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ सर्विस कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड गूगल प्राइवेसी पॉलिसी। इस ईमेल का सिंपली मतलब मैंने पहले से पढ़ भी रखा है। इस ईमेल का मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या इसका मतलब है ना। अब मैं इसको बताता हूँ ईमेल यूट्यूब ने हमको भेजा क्यों है। 4 दिन पहले आया है ना। यूट्यूब हमको याद दिलाना चाहता है कि यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन कुछ प्राइवेसी पॉलिसी या कम्युनिटी गाइडलाइंस है, तो उनको आप फॉलो करें, आपको मिस्टेक वगैरह नहीं करनी है। YouTube ने जी हमको ईमेल भेजा है ना। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टर्म्स ऑफ सर्विस, जब आपने YouTube चैनल अपना बनाया है ना, तब आपको टर्म्स एंड सर्विस का ऑप्शन आया होगा, उसमें आपने टिक लगाकर और उसको कंटिन्यू करा होगा, तब आपने उसको पढ़ानी होगा इतनी ज्यादा कॉल से, तो उसको आप यहाँ पे उस पर क्लिक करके आप पढ़ भी सकते हैं क्या टर्म्स ऑफ सर्विस है ना। फिर आती है कम्युनिटी गाइडलाइंस। कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो ना, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, नहीं तब आप काम करो तो आपको दिक्कत आ सकती है, काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, आपको चैनल डिलीट हो सकता है ना। फिर आपके होती है प्राइवेसी पॉलिसी। यूट्यूब की जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, और कम्युनिटी गाइडलाइंस भी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी होती है, और गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी वगैरह बनाई है, यहाँ पर आप उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप द इंडियन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कि उनको, आपने देखा होगा डीप फेक वीडियो चल रही थी मोदी जी की चल रही थी, और कुछ सेलिब्रिटी की चल रही थी, इस हमारे गवर्नमेंट को भी रूल बनाने पड़े हैं सोशल मीडिया के लिए, तो यहाँ पर आप उनको भी चेक कर सकते हैं। जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उस पर आपको करना है क्लिक, है ना, ब्लू ब्लू कलर की, इस पर आपको करना है क्लिक, तो आप डायरेक्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट हम कम्युनिटी गाइडलाइंस पे पहुंचाएंगे, यहाँ से आप कम्युनिटी गाइडलाइंस ये पढ़ सकते हैं, और आप गूगल पे जाकर सर्च करके भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, और आप जैसे आप सर्च करें तो कम्युनिटी गाइडलाइंस खुल जाएंगे, वैसे आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस है ना, ओवरव्यू दिया गया है ना, और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी सबसे पहली कम्युनिटी गाइडलाइंस हमारी, फेक एंगेजमेंट इम्प्रेशन, और यहाँ पर स्कैम जिसके बारे में, प्लेलिस्ट एडिशनल पॉलिसी, यहाँ पे काफी ज्यादा गाइडलाइंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कोई मतलब अपनी डिस्क्रिप्शन में कोई एक लिंक नहीं ला सकते हैं, कुछ ही कोई चीज गलत नहीं बता सकते, आप स्कैम के बारे में नहीं बता सकते हैं कुछ ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंसिटिव कॉन्टेंट, चाइल्ड सेफ्टी थंबनेल्स, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम चाइल्ड सेफ्टी है ना, जैसे कोई बच्चा नंगा नहा रहा है ना, तो आप उसके वीडियो बना के डाल देते हैं, तो वो चीज़ यूट्यूब पे अलाउ नहीं है, उसकी पॉलिसी है ना, आपकी वीडियो रिव्यू भी हो सकती है और आपके चैनल पे स्ट्राइक भी आ सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप नुडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट, मतलब सेक्सुअल कंटेंट भी डाल सकते हैं आप, अलग अलग जो सेक्सुअल कंटेंट होता है वो आप यहाँ पर यूट्यूब पर डाल सकते हैं। यूट्यूब का अभी भी अपडेट आया था, कुछ 1-2 महीने पहले अपडेट आया था, कुछ हल्का फुल्का सेक्सुअल कंटेंट आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, पर ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट होगा उसको आप यहाँ पर डाल नहीं सकते हैं। वायलेंट एंड डेंजरस कंटेंट भी नहीं डाल सकते हैं आप, 4-5 मतलब हेट स्पीच होती है, हार्मफुल जो होता है वो चीज़ आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं, और भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी वगैरह, आप इन पे ना हम हेट स्पीच पे करते हैं क्लिक, हम यहाँ वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, इसकी पॉलिसी के बारे में बताया, यहाँ पर आप इस पॉलिसी को रीड भी, ये पॉलिसी कब बनी थी और क्यों बनी थी और इसका मतलब क्या, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप इंग्लिश में ही पूरी है ना, तो आपको जैसे आप नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल जैसे आप करोगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा ना, इस पर आप क्लिक करना है, यहाँ से आपको हिंदी कर लेना है, यहाँ से मैं नीचे करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन आपको मिल जाए, इस पर करना है क्लिक, इस पर क्लिक करते करने फिर आपको यहाँ पे हिंदी में मिल जाएगा, तो आप हिंदी में इसको इजीली तरीके से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप इजीली रीड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टर्म्स ऑफ सर्विस आप क्लिक करें तो टर्म्स ऑफ सर्विस हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे करना है क्लिक, जैसे मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो उसके क्या क्या रूल्स वगैरह वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, क्या क्या मोनेटाइजेशन की पॉलिसी के लिए मतलब क्या क्या चीज़ चेक करी जाती है, और कैसे आपको मोनेटाइज करने के लिए क्या 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 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे वो चीज़ आप यहाँ पर आप इंग्लिश देख रहे हैं, इंग्लिश इंडिया, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको हिंदी कर लेना सेलेक्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी भारत है ना, तो हमने हिंदी भारत पर क्लिक कर लिया, तो यहाँ पर आप हिंदी में भी इसको आप पढ़ सकते हैं क्या क्या पॉलिसी वगैरह हैं, और इनको आप अच्छी तरह से रीड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, तभी आप YouTube पर काम करें अच्छी तरीके से। तो YouTube ने हमें को इसलिए ईमेल भेजा कि आपको बताने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, कौन सी प्राइवेसी पॉलिसी होती हैं, और टर्म्स ऑफ कंडीशन होती हैं, और मोनेटाइज पॉलिसी होती हैं, आपको याद दिलाने के लिए ये भेजा ईमेल,
इसको आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और तभी आप यूट्यूब पर काम करें। कोई गलत वीडियो आपने बना दी, जैसे गलती कोई गलत आपने वर्ड बोल दिया, कुछ गलत वीडियो आपसे बन गई है ना, तो आपको स्ट्राइक भी आ सकती है, आपको चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो आपको इन कम्युनिटी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए तभी आपको वीडियो बनानी चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करके। अगर आपको वीडियो चलते वीडियो करते लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसमें डिटेल वीडियो बना दूंगा। मोटे पॉलिसी पर आप कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।